बोर ने आगे क्या कहा? नील बोर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमता है, ठीक है, प्लीज लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट इट इज, नील बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमता है, ठीक है, उस समय उस इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन किस पोजीशन में, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में वो स्पेस में किस पोजीशन में, ये, और उसका वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी चारों तरफ घूम रहा है, वो वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक ही समय में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नील बोर द पोजीशन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, ये नील बोर ने कहा। वंस अगेन लिसन, नील बोर ने ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा हो उस वक्त उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी और पोजीशन ये दोनों एक साथ कैलकुलेट किया था, सेम टाइम में एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है, और वो भी कैसा, एक्यूरेटली, मतलब बिना कोई गलती किए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नील बोर का कहना था। बट नेक्स्ट देखिए, नील बोर के इस पॉइंट्स को कैसे गलत किया गया, नील बोर के इस पॉइंट किस तरह से गलत हुआ। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि नील बोर ने आखिर इस तरह का पोजीशन और वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या तरीका बताया। नील बोर ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ये क्या होता है, पूरी तरह से खाली होता है, ठीक है, ये जो है पूरी तरह से खाली होता है, एटम का मैक्सिमम स्पेस जो है ब्लैंक रखता है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट को डाला जाए, ठीक है, इफ अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ के लाइट को यहाँ पर डाला जाए, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर यहाँ डाला जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम लाइट विल पास थ्रू द एटम, क्योंकि ये एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। एंड नाउ इफ वी पुट अ स्क्रीन, अब यहाँ पर स्क्रीन पुट करें तो क्या होगा, ये जो लाइट था कम वेवलेंथ का, वो इससे टकराने के बाद, एटम से टकराने के बाद वो रिटर्न आएगा। कौन सा लाइट रिटर्न आएगा, केवल न्यूक्लियस से, क्योंकि ये सॉलिड है, और इलेक्ट्रॉन से, जो कि मटेरियल पार्टिकल सॉलिड है, लाइट इसको छेद नहीं कर सकता, ठीक है। और तब वो रिफ्लेक्टेड लाइट को, यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा, अगर उसको हम लोग किसी चीज पे कैच करें तो हमें दो पॉइंट मिलेगा, एक तो पॉइंट न्यूक्लियस के लिए होगा, ब्राइट पॉइंट, ठीक है, और उसके आसपास कहीं पर एक छोटा सा पॉइंट होगा ना, इनफाइनिटली स्मॉल ब्राइट पॉइंट, वो किसका पोजिशन बताएगा, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स का पोजिशन बताएगा। ये तरीका बताया नील बोर ने, ठीक है। तो नील बोर के अनुसार अकॉर्डिंग टू नील बोर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है, दस इट इज पॉसिबल, इस तरह से ये संभव है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजिशन एंड मोमेंटम, उसका पोजिशन और मोमेंटम को कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एज वेल एज एक्यूरेटली, उसको साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही समय में दोनों को कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना संभव है, पॉसिबल है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तरीका क्या बताया उन्होंने, द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली, बिना कोई गलती किए, बाय पासिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लेस देन डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे वेवलेंथ का लाइट हम लोगों को ये करना है, इसमें डालना है जिसका वेवलेंथ काफी कम हो, ऐसे लाइट जिसका वेवलेंथ काफी कम हो, ठीक है, एंड देन कैचिंग द रिफ्लेक्टेड लाइट बाय अ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट, किसी सुटेबल इंस्ट्रूमेंट से रिफ्लेक्टेड लाइट को कैच किया जाए तो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को पता किया जा सकता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड मतलब कम वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू नील बोर
अगर लोअर वेवलेंथ का लाइट हम यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, काफी हाई, क्योंकि ये यूनिवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए तो ऐसे लाइट का एनर्जी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। मींस लो वेवलेंथ के लाइट को यहां डाला जाए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड वेलोसिटी, देन लाइट ऑफ सच ए वेवलेंथ, इस तरह का कम वेवलेंथ की लाइट का एनर्जी काफी ज्यादा होगा। ठीक है, और इस तरह का एनर्जी वाला, एज वी हैव स्टडीड दैट लाइट आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। हमने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये काफी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का हाई एनर्जेटिक फोटोन अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन से टकराए, ठीक है, तो क्या होगा। लेट अस सपोज यू आर रनिंग, आप दौड़ रहे हैं, एंड इफ समबडी पुश यू इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन, अगर आप जिस दिशा में दौड़ रहे हैं उसी दिशा में कोई आपको फोर्स करे, तो क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा स्पीड। ठीक वही चीज यहां है, अगर यहां पर हाई एनर्जेटिक वाला लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इट्स स्पीड विल इंक्रीज एनॉर्मसली। सी बट लाइट ऑफ सच ए लो वेवलेंथ, इस तरह कम वेवलेंथ का जो लाइट है विल हैव वेरी ग्रेट एनर्जी, उसका एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ कॉलिजन ऑफ सच एनर्जेटिक फोटोन, इस तरह का हाई एनर्जी वाला फोटोन जब टकराएगा इससे द इलेक्ट्रॉन से, द स्पॉन्टेनियसली एक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन्स को काफी ज्यादा एनर्जी मिल जाता है अचानक से। ठीक है, एज ए रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एनॉर्मसली, उस इलेक्ट्रॉन का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर उसी समय में आप उसका स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल स्पीड नहीं होगा बल्कि उसका बढ़ा हुआ स्पीड पता चलेगा। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का ये दोनों पैरामीटर, यानी एक वेलोसिटी और दूसरा पोजीशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोनों चीज एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ पता करना इम्पॉसिबल होता है, एक साथ वो भी कैसा, एक्यूरेटली। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मींस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है नील बोर के इस पोस्टुलेट्स को गलत करता है।